गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अर्लियर व्हाट डिड वी डू, हम लोगों ने नोटिस राइटिंग किया था। तो नोटिस राइटिंग कब करते हैं हम, जब किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कोई इवेंट होने वाला है, वी राइट अ नोटिस, वी ड्राफ्ट अ नोटिस, वी गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टाइम प्लेस एंड डेट। तीन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है प्लस वो इवेंट जो होने वाला है। लेकिन जो रिपोर्ट राइटिंग है, टुडे वी आर डिस्कसिंग रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग किसी इवेंट, इंसिडेंट या एक्सीडेंट को होने के बाद लिखी जाती है। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस, ऑब्वियस है काम होने के बाद लिखी गई है। तो इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कौन सा टेंस आप लोग यूज़ करोगे। अर्लियर पैटर्न ऑफ रिपोर्ट राइटिंग वॉज वेरी डिफरेंट। जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आती थी हम लोगों को जनरल अटैम्प्ट करने के लिए, तो व्हाट डिड वी डू, इट वॉज अ वेरी सिंपल पैटर्न। जैसे लेटर राइटिंग का होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपना एड्रेस डालते थे, फिर डेट डालते थे, फिर बीच में और रिपोर्ट लिख के उस इवेंट का नाम डालते थे और नीचे सीधे रिपोर्ट शुरू कर देते थे। बट नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, चीज़ें डिफाइन हो रही हैं, रीडिफाइन हो रही हैं, चीज़ें जो है वो बेटर हो रही हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। सो टू प्रेजेंट थिंग्स इन अ बेटर वे, हम लोगों ने उस पैटर्न को चेंज्ड पैटर्न को अडॉप्ट किया है। सो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल हियर, इफ़ यू आर ड्राफ्टिंग अ रिपोर्ट ऑन राइजिंग प्राइसेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो आप क्या करोगे, आप वो रिपोर्ट किस तरह से लिखोगे, मैं आपको एक पैटर्न जो है वो बोर्ड पर ड्रॉ करके बताती हूँ। सो अगेन ये आपका मार्जिन है, पेपर पे नहीं लगा होगा तो आप पेपर को फोल्ड करोगे, एक इंच का रखोगे, आधा पेज नहीं फोल्ड कर देना एग्जाम में, तो उसका क्या होगा, वर्ड लिमिट इस तरह से काउंट होती है आपकी, ठीक है। सो इसको रुक जाओ जरा, ऐसे करते हैं। पॉज कोशिश करनी है कि एक ही लाइन में आ जाए। यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट, राइटिंग लाइक दिस। कौन लिख रहा है, यहाँ मान लो यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लिख रहा है, स्पेस छोड़ना है, फाइन। मान लो मेन बाजार शिमला जहाँ ऑफिस है, स्पेस थी, डेट है आपकी 20th November 2020। किसको लिख रहे हो आप, यू आर राइटिंग टू द HONORA ऑनरेबल ऑनरेबल, सपोज आप लिख रहे हो चीफ मिनिस्टर को लिख रहे हो, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो, या आप द चीफ मिनिस्टर कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है उसको लिखोगे, ठीक है। और फिर आप करोगे नीचे जो आपके क्लोजिंग लाइंस आएंगे, आपने कहाँ को ये एड्रेस किया है, फिर आप एक स्पेस देके फिर क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या आएगा आपका, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका सारा सब्जेक्ट आएगा, लिख दिया। उसके बाद व्हाट विल यू डू, ये मैं सिंपल रिपोर्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये अभी बिजनेस लेटर्स वाली रिपोर्ट नहीं है ये। सब्जेक्ट के बाद अब डियर सर तो लिख नहीं सकते या मैम, है ना, ऑनरेबल सर और मैम, व्हाट्स एवर जो भी डेजिग्नेशन होगा। अब इसमें ज़्यादा आप लोग इनफॉर्मल नहीं हो सकते, आपको बिल्कुल फॉर्मल भी में टू द पॉइंट लिखना है। तो द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर इंक्रीजिंग और राइजिंग डे बाई डे एट एन अलार्मिंग रेट, दिस विल हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है। आपने जो है जो डाटा आप फीड करना चाहते हो, आप वो डाटा फीड करोगे और
फिर उसके बाद क्या आता है आपकी, जब आप किसी को रिपोर्ट दे रहे हो ना, आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वहाँ आपकी सजेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सजेशंस कि आप क्या सजेशंस देना चाहोगे टू अवॉइड यू नो दिस प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस व्हिच इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर कॉमन फोक। ठीक है, आपने अपनी सजेशंस दी, उसके बाद आपका आ जाएगा लास्ट में एक लाइन छोड़ के आ जाएगा आपका योर्स ट्रूली कर लो, योर सिंसियरली व्हाट्स एवर यू फील लाइक डूइंग। ठीक है, और उसके बाद आ जाएंगे आपके सिग्नेचर, फिर आ जाएगा आपका नाम, और फिर आ जाएगा आपका डेजिग्नेशन। इन दिस वे आई हैव टू राइट अ सिंपल रिपोर्ट, जो है आप वो इस तरह से लिखोगे इफ़ यू आर राइटिंग इट अबाउट योर राइजिंग प्राइसेस, कॉमन जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर आपने एक NSS की रिपोर्ट बनानी है, जैसे कॉलेज में NSS यूनिट्स होती हैं, या ब्लड डोनेशन कैंप की रिपोर्ट बनानी है, या सपोज़ मेरे जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल में जहाँ पे मैं हूँ तो वहाँ पे मुझे वो रिपोर्ट बनानी है, तो हाउ विल आई प्रिपेयर दैट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, वर्क डन बाय NSS वॉलंटियर्स, ये वाला कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले क्या आएगा आपका NSS वॉलंटियर्स में जो इवेंट है वो आपकी पहले आएगी आपकी डेट। ठीक है, सपोज 29th November। ठीक है, किसके लिए आप बना रहे हो, तो सपोज आप प्रिंसिपल सर के लिए बना रहे हो या प्रिंसिपल मैम के लिए बना रहे हो, तो प्रिंसिपल ABC जो भी आपका स्कूल कॉलेज होगा बना कौन रहा है, सपोज कोई यूनिट का हेड है, जैसे GHI कर लेते हैं इसको, है ना, तो GHI कोई है वो बना रहे हैं यूनिट, वो कौन है, प्रेसिडेंट NSS यूनिट। कौन सा कॉलेज है, XYZ कॉलेज। ठीक है, अब आएगा आपका सब्जेक्ट, सीक्वेंस में चलेगा आपका। ठीक है ना, क्या था ये, वर्क डन बाय द NSS वॉलंटियर्स। ठीक है, आगे आएगी रिपोर्ट, डेट डाली, ठीक है, किसके लिए बना रहे हो, कौन बना रहा है, और सब्जेक्ट कुछ नहीं है, जो पुराना पैटर्न था उसमें क्या था, किसके लिए बना रहे हो, इट वाज देयर एंड फ्रॉम जो है वो नीचे आता था, एक फ्रॉम ऐड हुआ है, बाकी कुछ भी एडिशन इसमें नहीं है। जो अगर आपने स्कूल्स में रिपोर्ट राइटिंग की है तो इसी पैटर्न पे रहा, थोड़ा सा चेंज हुआ है। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट वही आएगी, रिपोर्ट में क्या आता है कि क्या इवेंट हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें तो NSS का इवेंट हुआ, कितने दिनों का था, इट वाज सपोज इट एज क्वेश्चन इज गिवन, इट वाज 7-day कैंप ऑर्गेनाइज एट अ कॉलेज, सो 7-day NSS कैंप वाज ऑर्गेनाइज बाय आर कॉलेज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉलेज, दैट इज इट वाज ऑर्गेनाइज बाय XYZ कॉलेज, वेयर इज इट, इट इज़ गिवन, इट वाज हेल्ड, वेयर वाज इट हेल्ड, वो देना है आपने, व्हाई वाज इट हेल्ड, क्यों NSS का कैंप रखा गया, उन्होंने क्या क्या काम किए, जब 7-day कैंप था तो 7 days में उन्होंने क्या क्या किया, और इम्पैक्ट ऑफ दैट वेरी वर्क ऑन कॉमन फोक, जब 7 दिन का कैंप था तो कैंपस से आप बाहर भी गए हो, उसका इम्पैक्ट भी रहेगा, और उसके बाद जो है एंड ऑफ देयर टास्क, जब एंड ऑफ द कैंप था, हु इनॉग्रेटेड द कैंप, सबसे पहले आएगा 7-day NSS कैंप वॉज ऑर्गेनाइज बाय XYZ कॉलेज एट XYZ कॉलेज, जो भी आपका जैसे हम लोग अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे और फिर अपने एरिया का नाम लिखेंगे, कांगड़ा HP करके उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हु वाज यू नो द चीफ गेस्ट और हु इनॉग्रेटेड द कैंप, कैंप की का शुभारंभ किसने किया, वो आ जाएगा। देन व्हाट वाज द वर्क डन,
मेन पर्पज़ का कैंप का था, कितना हमने काम किया। उसके बाद आ जाता है कि हाउ डिड आर चिल्ड्रन स्पेंड टाइम, NSS जो वॉलेंटियर्स थे उन्होंने किस तरह से टाइम गुजारा, वेदर दे वर एट कॉलेज ड्यूरिंग नाइट और वॉट डिड दे डू, इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। जैसे कई बार हम वन एक्ट प्ले करते हैं, कई बार हम स्किट करते हैं, कई बार हम छोटे छोटे डांस परफॉर्मेंसेज रखते हैं बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, जो हम NSS के कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा इन एट द एंड वॉट वॉज देयर, who was there present on the when it was closing ceremony, what was the main attraction of the closing ceremony of the camp. तो वो आप क्लोज करके और नीचे जो क्या करोगे वो सारी कहानी बीच में ऐड करके जो आपका सेंट्रल पार्ट आ जाएगा, रिपोर्ट रिपोर्टेड बाय करके नीचे नाम आएगा और फिर बॉक्स बनेगा। तो इस तरह से आपकी जो नॉर्मल रिपोर्ट है वो इस तरह से लिखी जाती है, जो आपने प्रिंसिपल को या ऑफिस में सबमिट करवानी होती है। जो मैंने इससे पहले करवाई थी वो रिपोर्ट क्या है, वो आप एक तरह से क्या जो रिपोर्ट कर रहे हो वो क्या कर रहे हो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो उसकी आपकी बिगिनिंग अलग हो जाती है। उसमें पहले उस डिपार्टमेंट का नाम आता है, किसका जो लिख रहा है, फिर डेट आता है, फिर किसको लिख रहे हैं वो आएगा। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल रिपोर्ट है जहाँ पे हमने प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल मैम को सबमिट करवानी है। तो डेट टू होम, किसके लिए लिख रहे हो, कौन लिख रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे रहती है। सो सिंपल रिपोर्ट्स आर रिटन इन दिस वे। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट बिजनेस रिपोर्ट्स, व्हाट विल वी डू, बिजनेस रिपोर्ट अलग तरह से होती है, उसकी प्रेजेंटेशन अलग तरह से रहेगी। बिफोर डिस्कसिंग अ बिजनेस रिपोर्ट आई सडनली केम टू माई माइंड कि नॉर्मल रिपोर्ट्स भी आपके सिलेबस में हैं, जैसे अ फायर इंसिडेंट इज देयर, एन एक्सीडेंट इज देयर, तो जो उनकी रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं ना वो बिल्कुल नॉर्मल वे में लिखी जाती हैं। क्या करोगे आप लिखोगे यहाँ पे, सपोज ये मार्जिन है आपका ना, ये नॉर्मल रिपोर्ट्स में आपको बता रही हूँ जो एक एक्सीडेंट को लेकर सपोज आप लिख रहे हो, तो वट यू हैव टू डू, सपोज 20th of November 2020 ये आ गया। अब उसके बाद फायर इंसिडेंट है सपोज, और रिपोर्ट, ठीक है, जो नॉर्मल रिपोर्ट न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं, तो आप जगह का नाम लिखोगे, सपोज आपने एक्स वाई जेड नेम ऑफ द प्लेस इज गिवन, फायर इंसिडेंट टुक प्लेस, वेयर डिड इट टुक प्लेस, हाउ डिड इट टेक प्लेस, वो कैसे हुआ, एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड व्हाट हैपेंड एट लास्ट, मींस कि कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, कितने उसमें हाउ मेनी पर्सन वर डिसीज एंड हाउ मेनी गॉट इंजर्ड एंड व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ द एंड, जो है वो फायर इंसिडेंट का क्या था, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए, कितने लोगों को जो है फर्दर रेफर किया गया, और कितनी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम इसको वो पूरी कहानी बीच में यहाँ पे फिल करके और लास्ट में हम लोग राइटर का नाम देते हैं, सपोज यहाँ एक्स वाई जेड, तो जगह का नाम लिखा है मैंने ABC रिपोर्टर दिस वे। आपको दोनों तरह की रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, तीन तरह की रिपोर्ट्स होगी आपकी, एक तो इफ़ यू आर सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एक रिपोर्ट वो है जैसे राइजिंग प्राइसेस की आप लिख रहे हो, कोई न्यूसेंस आपके एरिया में क्रिएट हो रही है उसके रिलेटेड आप लिख रहे हो, और एक रिपोर्ट आपकी आ जाएगी विच इज़ वेरी सिंपल विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू, लाइक एन एक्सीडेंट भी हो सकता है, वर्कशॉप ऑन आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट भी हो सकता है, किसी भी तरह से ये रिपोर्ट आ सकती है। सो यू हैव टू सी कि विच टाइप ऑफ रिपोर्ट इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिप्लाई करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस रिपोर्ट्स को किस तरह से लिखा जाता है। सपोज वी आर राइटिंग अ बिजनेस रिपोर्ट, तो नॉर्मल रिपोर्ट्स तो मैंने डिस्कस कर ली, जैसे प्रिंसिपल को जो आपने रिपोर्ट लिखी है, कोई इवेंट हुआ कॉलेज में उसके बारे में, या यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट रिगार्डिंग सम यू नो प्रॉब्लम इज देयर इन द सोसाइटी, ये जैसे लेटर ऑफ कंप्लेंट है उसी पैटर्न पे ये चलती है। और एक नॉर्मल रिपोर्ट की हमने बात की, मान लो फायर इंसिडेंट हुआ है कहीं पे या कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो आपने क्या क्या लिखना है, ठीक है। अब हम करेंगे बात बिजनेस रिपोर्ट की। बिजनेस रिपोर्ट में आपका फर्स्ट आता है कवर पेज, पहला पेज कवर पेज होगा, उसमें क्या होगा आपका जो टाइटल मेंशन्ड होगा, ठीक है, टाइटल में आपका जो है वो सारा कैपिटल में जाता है। उसके बाद आप लिखोगे रिपोर्ट नंबर आता है, ठीक है, रिपोर्ट नंबर ऑफिस से लगता है, आपकी डेट क्या है आपकी वो मेंशन्ड होगी, आपकी क्लासिफिकेशन रहती है इट इज़ अ सीक्रेट, इट इज़ टॉप सीक्रेट, इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, किस तरह की रिपोर्ट है, लिखने वाले का नाम या पर्टिकुलर एजेंसी जो उस रिपोर्ट को बना रही है। उसके बाद आता है रिसीविंग अथॉरिटी का नाम आएगा इसमें, तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये कवर होते हैं, टाइटल बोल्ड में जाएगा, ठीक है, और बाकी के जो है वो नॉर्मल फॉन्ट पे आपके जाएंगे सारा कंटेंट जो है वो। दूसरा पेज जो है वो आता है आपका टाइटल पेज, जब आप
पेज बदलोगे तो इसमें ट्रांसपेरेंट शीट के नीचे ये रहता है, यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन सपोज जिस चीज़ के बारे में आपका टाइटल आएगा इसमें, जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, सपोज़ यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन इन्वेंटरी एंड परचेजिंग प्रैक्टिसेस पे आप लिख रहे हो तो आपका टाइटल क्या आएगा, अ रिपोर्ट ऑन इन्वेंटरी एंड परचेजिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर किसके लिए आप लिख रहे हो, सपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड, हु इज़ प्रिपेयरिंग, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर एजेंसी है वो जो उसको प्रिपेयर कर रहा है, वो आएगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका ऑथराइजेशन लेटर, कि आपको किसने ऑथराइज़ किया इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, किस ऑफिशियल ने आपको ऑथराइज़ किया है, वो लेटर आपका लगेगा। फोर्थ पॉइंट पे आपका फॉरवर्डिंग लेटर या ट्रांसमीटर लगता है, तो उस लेटर में क्या रहता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द रिपोर्ट और हिस्ट्री इन द लाइट ऑफ विच राइटर वॉज आस्ट टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, उस चीज़ की हिस्ट्री रहती है इसमें जिसमें जिसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट बनानी है, और आप कौन सी मैथडोलॉजी अडॉप्ट करते हो, ठीक है ना, जो आपने अडॉप्ट की है मैथडोलॉजी, किस आपने डाटा कलेक्ट किया है, आपने लोगों से बात की, आपने क्वेश्चन अटैच किए हैं, क्या किया है, वो आपका यहाँ पे लगता है। ग्रैटिट्यूड फॉर द पर्सन हु हेल्प्ड इन योर स्टडी, उस पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड जिसने आपको हेल्प किया है, और उसके बाद लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स है वो सारा आपका जो है वो ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड हियर, ठीक है। सो ये चार पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल डिस्कस नाउ। आर फिफ्थ पॉइंट इज प्रीफेस, प्रीफेस में होता है राइटर रीडर के लिए एक जो है एक मैसेज लिखेगा, दैट इज प्रिलिमिनरी मैसेज फ्रॉम द राइटर टू द रीडर, जिसको रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया है वो एक मैसेज लिखेगा रीडर के लिए, जिसने रिपोर्ट बनाने का काम दिया है। उसके बाद फॉरवर्ड लगता है एक प्रीफेस जो है, देखो राइटर ने लिखा है रीडर के लिए, और फॉरवर्ड जो है वो कौन लिखेगा, एक्सपर्ट लिखेगा कि उसमें किस तरह का काम हुआ है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आती है, विच इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड इन जनरल, आपने बुक्स में भी देखा होगा एक्नॉलेजमेंट तो सभी जगह लगी होती है, कि जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है और जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, उस तरह का एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड रहेगा। उसके बाद है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे प्रीफेस जो है वो या एक्नॉलेजमेंट्स हैं, देन समरी है, देन इंट्रोडक्शन किस पेज पे है ना, और फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी आपने कौन कौन सी अडॉप्ट की है, जनरल बिजनेस एनवायरमेंट क्या है आपका, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेगा। उसके बाद है लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, कि आपने उसमें टेबल्स, चार्ट्स या पाई चार्ट्स, ग्राफ्स या जो भी आपने यूज़ किया हुआ है वो सारे का सारा जो है वो डिटेल रहेगी, क्या क्या इलस्ट्रेशंस यूज़ की हैं। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव समरी आपकी आती है, दैट इज़ अ सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस क्या होता है, सॉर्ट ऑफ डाइजेस्ट और हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट्स, कि आपने जो है वो कंसाइज करके उसको किस तरह से, इसको एक प्रीव्यू या रिव्यू भी बोल सकते हैं पेपर्स का, कि आपने इसको किस तरह से प्रेजेंट किया है। अब हम, ये तो एक बिगिनिंग वाला पार्ट था, परफेक्टरी पार्ट था, अब हम मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। सो दीज वर 10 पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। इन मेन बॉडी वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन, विल डिस्कस इंट्रोडक्शन मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, कि आपका आपने सब्जेक्ट मैटर जो है वो रीडर को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे और प्रॉब्लम को के बारे में उसको बताना है, एट हैंड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे उसमें मेन जो पार्ट्स इंक्लूड होंगे वो क्या है, ओरिजिन ऑफ द रिपोर्ट, देन हिस्टोरिकल एंड टेक्निकल बैकग्राउंड ऑफ द दैट वेरी थिंग यू आर डिस्कसिंग इन द रिपोर्ट, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, यानी कि आपके लिमिट्स या बाउंड्रीज क्या हैं। लेट मी राइट हेयर, फर्स्ट इज ओरिजिन, ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स, कि ओरिजिन ऑफ द रिपोर्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बाद आ जाएगा आपका स्कोप, नंबरिंग मैंने चेंज कर दी, स्कोप, आगे स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़ किस में क्या स्कोप है, हम कितना ज़्यादा इसको आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, आपने डाटा कलेक्शन का कौन सा मेथड यूज़ किया, मैंने पहले भी बताया था आपको, क्वेश्चन आयर्स होते हैं, एट टाइम्स वी गो टू द फील्ड, फील्ड में हम लोगों से जो है फीडबैक लेते हैं, तो अलग अलग तरह से हम डाटा कलेक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हमारा आएगा, इट इज़ स्पेशल टर्म्स एंड सिंबल्स, जो हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद जो लास्ट पार्ट हमारा आएगा, लिमिटेशंस,
ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं दे आर इंक्लूडेड इन इंट्रोडक्टरी पार्ट। हल्का हल्का टच करके छोड़ दिया, अब जाएगा कहाँ? एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल जाएगी आपकी, ठीक है। इसमें आपके टूल्स यूज, टेक्निक्स, जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, दो चार रिपोर्ट्स रीड करोगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, ये क्या है। और उसके बाद जो आपने टेबल्स ग्राफ्स जो भी एनालाइज किए हुए हैं वो सब कुछ आएगा इसमें, टेबल्स ग्राफ्स, ठीक है ना, डायग्राम्स एट्सेट्रा कर रही हूँ मैं आगे क्योंकि लंबा हो रहा है। देन कंक्लूजन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंक्लूड, ठीक है ना, आउटकम ऑफ द रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन्स, कि आपने क्या स्टडी किया, आपने कुछ मेथड्स को फॉलो किया, इंट्रोडक्शन में क्या ओरिजिन था रिपोर्ट का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किस लिए आपने स्टडी किया, स्कोप ऑफ स्टडीज़ क्या हैं, आपने कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए, फिर आपने जो है वो स्पेशल टर्म्स एंड सिंबल्स कौन से यूज़ किए और लिमिटेशंस क्या थी, कहाँ क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ी। उसके बाद एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन में हम क्या यूज़ बताते हैं कि हमने कौन से टूल्स, टेक्निक्स, टेबल्स, डायग्राम या किस तरह के हमने जो है वो डाटा कलेक्शन के लिए कौन से चीज़ों को इफेक्टिवली यूज़ किया, यहाँ पे हमने हल्का सा किया था, यहाँ पे हमने उसको डिटेल में डाल दिया, ठीक है। कंक्लूजन की, उसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकला और हमारी फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट जो ब्रीफ में लिखनी है, कि कंक्लूजन के बारे में मैंने टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू, बिगिनिंग होता है, मिडिल और एंडिंग, एंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम इज़ द केस विद योर कंक्लूजन। एंड रिकमेंडेशन फर्दर आपकी क्या रहेगी, कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक वे में रिपोर्ट लिखी गई है, किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्टडी किया गया, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे उसकी बेटरमेंट के लिए। सो इट वाज, व्हाट वाज इट, इट वाज योर मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब आएगा आपका बैक मैटर, जो पहले वाला था वो था इंट्रोडक्टरी टाइप में, जो आपके 10 पॉइंट्स पहले डिस्कस किए, फिर हमने सेंट्रल वाला मेन बॉडी का डिस्कस किया, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन, एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करते हैं। अब आएगा हमारा बैक मैटर, बिल्कुल लास्ट वाला जो मैटर होगा, विल डिस्कस दैट, सो वेट फॉर व्हाइल। अगर हम बैक मैटर की बात करें, वॉट विल वी डू, अपेंडिक्स आएगा पहले तो हमारा, ठीक है। दूसरा है आपका रेफरेंसेस, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है, ठीक है। और तीसरा जाएगा आपका बिब्लियोग्राफी, फोर्थ आ जाएगा आपका ग्लॉसरी, GLOSSARY, एंड फिफ्थ वुड बी योर इंडेक्स। ये वो इंडेक्स नहीं है जो आप लोग बिगिनिंग में यूज़ करते हो, ये लास्ट वाला है, ठीक है। जो आपका अपेंडिक्स है, इसमें आपके सारे सपोर्टिव मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स, चाहे क्वेश्चनर्स आपने निकाले हैं, चाहे आपने न्यूज़ क्लिपिंग से डिटेल निकाली है, कहीं से डाटा आपने कलेक्ट किया है, और ये सारे का सारा जो है आपका अपेंडिक्स में आ जाएगा। जैसे आपका डाटा कहाँ से लिया है, क्वेश्चनर्स हैं, या आपने न्यूज़ डिटेल्स निकाली हैं, ये सारे का सारा इसमें इंक्लूड होगा। रेफरेंसेस आपने कहाँ कहाँ से कोट किए हैं, जैसे आर्टिकल्स आपने यूज़ किए हैं कहीं से, है ना, बुक्स यूज़ किए हैं, कोटेशंस यूज़ किए हैं, और आपने जो है वो सपोज़ आपने जो है वो कोई किसी का मटेरियल यूज़ किया है, ठीक है ना, जो पब्लिश्ड भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड भी हो सकता है, तो वो सारे का सारा आप जो है उसको क्या करोगे, उसको मेंशन करोगे। उसके बाद है आपकी बिब्लियोग्राफी, व्हाट इज़ इट, इट इज़ जिन जिन बुक्स की, जिन जिन न्यूज़पेपर्स की आपने हेल्प ली है, उनकी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दैट वुड बी कोटेड। नहीं तो प्लेजरिज्म इसको काउंट करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं अपनी, हमें हम ये शो करते हैं ना कि ये मेरा वर्क है, लेकिन वर्क एक्चुअली इट बिलोंग्स टू समवन एल्स। सो बिब्लियोग्राफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, जैसे कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल कोट किया है, बुक विद टू ऑथर्स, अगर होती है कोई, दो बुक ऑथर की बुक्स हैं, तो हम एक ऑथर का नाम लिख के क्या करेंगे, फिर पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ऑथर का नाम, फिर पब्लिकेशन का नाम, फिर उसके बाद उस एसोसिएशन, और फिर जो है वो
प्लेस का नाम हम लोग काउंट करते हैं. जैसे बिब्लियोग्राफी लिस्ट द वर्क्स विच द राइटर हैज़ रेड वेयर एज रेफरेंसेज पॉइंट आउट टू द लोकेशन ऑफ द आइडिया एंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ओरिजिनल सोर्स. और जो एंट्रीज हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगी, ठीक है, और जो रेफरेंसेज हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहेंगे. जब हम बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करते हैं तो कैसे आएगा आपका, लेट मी राइट नेम ऑफ द ऑथर, फिर आ जाएगा आपका टाइटल, फिर पब्लिशर या पब्लिकेशन का आ जाएगा, एड्रेस, पब्लिशर्स एड्रेस एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन. ये सारा का सारा आपने नेम ऑफ द ऑथर ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर से शुरू करना है आपने, ठीक है. तो आपने इस तरह से जो है वो बिब्लियोग्राफी को प्रिपेयर करना है. ग्लॉसरी इज अ इट इज़ अ लिस्ट ऑफ टेक्निकल टर्म्स. जिनको आम आदमी को पता नहीं है या जिसको आप दिखा रहे हो, अगर टफ वो टर्म्स हैं तो आपने उसको डालना ही डालना है. और ये अल्फाबेटिकली ही अरेंज होगा. इंडेक्स जो है वो इट कंटेन्स डिफरेंट टर्म्स. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और पेज नंबर के साथ, किस पेज नंबर पे आपने कौन सी जो है वो टेक्निकल टर्म यूज़ की है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे या किस सेल्स लेटर से टेक्निकल टर्म उठाई उसका पेज नंबर भी आप मेंशन करोगे. सो सैम्पल रिपोर्ट्स आर गिवन फॉर यू. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू. एक आपने जो है वो बिगिनिंग का मैटर था, 10 points वर देयर, देन मेन बॉडी वॉज देयर, नाउ इट इज बैक मैटर, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू ओनली वैन वट विल हैव टू डू वैन यू विल गो थ्रू डिफरेंट रिपोर्ट्स को आपने रीड करना है. पर्टिकुलरली जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बच्चों के लिए ये रिपोर्ट्स का ये वाला जो सेक्शन है बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग, इट इज़ फॉर दैम ओनली. तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने डिटेल्ड वे में जब इस वीडियो को आप देखोगे तो आपने क्या करना है, साथ में अपनी बुक को खोलना है. यू विल कम टू नो व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर एंड व्हेन यू विल गो थ्रू द रिपोर्ट इन दिस वे आई हैव डिस्कस्ड विद यू. जब आप बिजनेस रिपोर्ट को इस तरह से देखोगे तो क्या होगा, एवरीथिंग वुड बी क्रिस्टल क्लियर, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल लिसन टू वीडियो विद एंड यू विल कीप योर बुक विद यू, ओनली देन थिंग्स वुड बी क्लियर टू यू. सो गुड डे.